दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई सलमान भाई का फैन यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज ये वीडियो आगे ना देखे, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगने वाला है। क्योंकि पहले तो सलमान भाई के ट्रेलर को देखकर आप लोगों के दिल में ना होते हुए भी आपने अच्छा अच्छा बोला है, तो मैं और उस पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। दोस्तों आज हम बात करने वाले सलमान भाई की सिटी मारे सॉन्ग के बारे में, जिस सॉन्ग की यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सलमान भाई की अपकमिंग मूवी राधे, इस मूवी में सिटी मारे सॉन्ग है, क्योंकि इस सॉन्ग को लेकर कुछ अलग ही क्रेज चल रही है। क्योंकि ये जो सॉन्ग है वो साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के सॉन्ग सिटी मार इस गाने का कॉपीड है। दोस्तों जो सिटी मार जो सॉन्ग है वो दोनों भी सॉन्ग मैंने आज पहली बार ही सुने। हालांकि सलमान भाई का जो सिटी मार सॉन्ग है वो आज ही रिलीज हुआ, मैंने आज ही वो सॉन्ग देखा, और अल्लू अर्जुन का जो सिटी मार सॉन्ग है वो भी मैंने आज ही पहली बार देखा। क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें सुनने में आ रही थी कि सलमान भाई का जो सिटी मार जो सॉन्ग है वो अल्लू अर्जुन की सिटी मार सॉन्ग से कॉपीड है। तो भाई यहाँ पे ये देखना तो बहुत ही जरूरी था कि दोनों में से कौन सा सॉन्ग जो बेटर है। तो ये जानने के लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले अल्लू अर्जुन का जो सॉन्ग है सिटी मार ये सॉन्ग देखा। तो भाई कमाल है, मतलब अल्लू अर्जुन जो डांस कर रहा था, जो मूव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हवाओं से बातें कर रहा है। मजा आया जिस तरीके से लिरिक्स को पकड़कर उसने जो सॉन्ग के स्टेप्स किए, भाई सॉन्ग की लिरिक्स ना भी समझ में आए तो भी वो सॉन्ग देखने में और सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लू अर्जुन जो है वो बहुत ही बेहतर डांसर है। उनके डांस में एक अलग ही तरह की मूव होती है जो कि शायद एक आम एक्टर को करने में बहुत ही मुश्किल जाएगा। इस तरीके की मूव जो है वो अल्लू अर्जुन हमेशा अपनी सॉन्ग्स में डालते हैं। और अगर बात करें सॉन्ग की, तो वो सॉन्ग सुनने के बाद दोस्तों लिरिक्स भले ही समझ में ना आए बट उठकर नाचने का, डांस करने का मन करता है। मतलब ओवरऑल जब अल्लू अर्जुन का जब मैंने सॉन्ग देखा तो मुझे यही फील हुआ। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा सलमान भाई का सिटी मार ये सॉन्ग। अब वो देखने के बाद दोस्तों मुझे उस फिल्म का ट्रेलर याद आया, क्योंकि उस फिल्म के ट्रेलर ने मेरे दिमाग के तार पूरी तरह से हिला दिए थे, और इस सॉन्ग ने दोस्तों मेरे दिमाग के जो नसें थे ना वो उखाड़ दिए। मतलब आपने उस सॉन्ग का म्यूजिक कॉपी किया, यहां तक कि उस सॉन्ग का जो टाइटल जो नेम है वो भी आपने कॉपी किया, जो वीएफएक्स दिए गए थे वो वीएफएक्स भी आपने कॉपी किए। तो भाई यहां पे आपने डांस के मूव्स को क्यों कॉपी नहीं किया? क्योंकि जिस तरीके से वो सॉन्ग था, जिस तरीके से उस सॉन्ग में मूव्स होने चाहिए थे जो कि अल्लू अर्जुन ने किए, वो यहां पे हमें कहीं पे भी नजर नहीं आए। और सबसे मेन बात, जो अल्लू अर्जुन का जो सिटी मार सॉन्ग है वो जब स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट होने से पहले जो कुछ दिखाया गया है, जो कुछ म्यूजिक है, जो कुछ स्टेप दिखाए गए, वो देखने के बाद सॉन्ग का मजा एक अलग लेवल तक जाता है। लेकिन अपने भाई ने सॉन्ग शुरू होने से पहले ही अपना मुंह छिपा लिया, यानी कि ये सॉन्ग जो है वो आगे देखो ही मत। सलमान भाई ने तो अपना मुंह जो है वो टी शर्ट के अंदर छिपा लिया था, लेकिन जो दिशा पता नहीं उन्होंने अपना जो मुंह है वो किस तरीके से छिपाने की कोशिश की है देखो। क्या वीएफएक्स है यार, अल्लू अर्जुन की सॉन्ग में जो स्टेप्स दिखाए गए और इस सॉन्ग में जो स्टेप्स दिखाए गए, भाई कहाँ पे कुछ तो जम रहा है। अल्लू अर्जुन के सॉन्ग में लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उठकर नाचने का मन कर रहा है, और यहाँ पे तो लिरिक्स तो दूरी की बात, यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही वर्ड सुनाई दे रहे, सिटी मार सिटी मार सिटी मार। इसके अलावा इस सॉन्ग में लिरिक्स क्या है वही मुझे समझ नहीं आ रहे थे। और भाई यहाँ पे उठकर डांस करने का तो छोड़ दो, चादर लेकर सोने का मन कर रहा था मेरा। देखो अभी आप में से बहुत से लोग ये कहोगे कि आप इतना क्यों हेट करते हो बॉलीवुड के सॉन्ग्स को। देखो भाई हम हेट नहीं करते, बट हम ये चाहते हैं कि जो ओरिजिनल है, तो अगर आप किसी ओरिजिनल का अगर डुप्लीकेट बना रहे हो तो भाई कुछ हद तक तो अच्छा करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाने की जरूरत क्या है, आप खुद ओरिजिनल कुछ करो। अब यहाँ से आगे जो भी फिल्में डुप्लीकेट जो फिल्में बनेगी भाई, यहाँ से आगे तो कंपेरिजन तो होगा ही, क्योंकि बेस्ट वर्सेज फेक इसमें तो हमेशा कंपैरिजन होता है और होगा ही। मेरे ख्याल से तो इस सॉन्ग को तो इस मूवी में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इस सॉन्ग में मुझे सिर्फ दो ही वर्ड सुनाई दे रहे थे, सिटी मार सिटी मार सिटी मार। बाकी लिरिक्स जो है भाई, लिरिक्स लिखे किसने, और लिखे है तो लिरिक्स है क्या उसमें? क्योंकि हर एक दो स्टांजा के या फिर एक स्टांजा के बाद तो सिटी मारी सुनाई दे रहा है, बस लोगों को जो टाइटल नेम है उस पर लोगों को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, ओरिजिनल सो ओरिजिनल होता है, अगर उसका भी कॉपी कर रहे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट करने की कोशिश में पूरी तरह से डिब्बा बंद हो गया है भाई। एक तो डायलॉग कॉपी, स्टोरी कॉपी, पोस्टर कॉपी, अब तो सॉन्ग ही कॉपी। चलो ठीक है दोस्तों, ये फिल्म जब रिलीज होगी तो आप में से कोई ये मूवी देख लेना, और मुझे जरूर मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना कि ये मूवी कैसी है, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये मूवी देख के आपको रिव्यू दे सकूं। मैं ऐसे ही आप लोगों से कुछ जानकर रिव्यू दे दूंगा। और अगर कोई सलमान का फैन जो है वो आखिर तक ये आकर वीडियो देखा तो भाई उसके लिए अभी मैं सॉरी कहता हूँ। तो दोस्तों इस सॉन्ग के ऊपर आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपके चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,
जय भारत।